बिस्मिल्लाहिर्रहमान गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो यार आज जो ना मुझे थोड़ा सा नज़ला है, तो मेरी आवाज़ में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। खैर, और एक और चीज़, मेरी वीडियो में जो है ना थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई होगी, यानी वीडियो क्वालिटी में। तो यार बीच में मैंने जो ना मोबाइल से बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरी वीडियो क्वालिटी एकदम घटिया तरीन हो गई थी। तो खैर आज मैं दोबारा से अपने कैमरे से बना रहा हूँ, तो थोड़ी इम्प्रूव हुई होगी। खैर बात को ज़्यादा लंबी नहीं करते, तो आज मैं जो ना पॉडकास्टिंग नंबर 2 करने जा रहा हूँ, वो भी मैं अपने साथ ही करूँगा। और आज का टॉपिक होगा इरफान जुनेजी की जो नई वीडियो है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो व्लॉगिंग छोड़ रहे हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। तो आइए हम जो ना पिता अदर से जो ना पूछते हैं कि वो इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं। तो फिदा भाई, आप इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं? जी तो मैं यहाँ जो है ना इरफान जुनेजी की थोड़ी सी बातों को जो है ना थोड़ा एक्सप्रेस करूँगा कि हो सकता है कि उन्होंने ये बात इस वजह से कही हो। तो यार सबसे पहली बात तो उन्होंने ये नहीं बोला कि वो व्लॉगिंग छोड़ रहे हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि मैं जो ना व्लॉगिंग भी करूँगा। इसका मतलब ये है कि वो व्लॉगिंग के साथ साथ एक और न्यू कॉन्टेंट ला रहे हैं। तो अपनी ये बात को थोड़ा सा करेक्ट करिए। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर आप इस बात पे, यानी अगर ये व्लॉगिंग छोड़ नहीं भी रहे तो न्यू कंटेंट ला रहे हैं, तो इस पे बहुत सारे लोग बाद में एक सवाल उठाएंगे, यानी आप पर भी ये सवाल उठ सकता है कि क्या नाम है, जैसे वो मल्टीपल कंटेंट्स आ रहे हैं अपने चैनल पे, सही है, बट आप पहले से मल्टीपल कंटेंट्स बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुमने इरफान जुनेजी की कॉपी की है, हालांकि हमें पता है कि आपने किसी कोई कॉपी नहीं की, क्योंकि आप स्टार्टिंग से मल्टीपल कंटेंट्स ही ला रहे हैं। कभी वाइंस बनाते हैं, कभी व्लॉग्स बनाते हैं, और कभी ऐसी जैसे बैठ के बातें करते हैं, कभी पॉडकास्टिंग करते हैं। तो इस पर लोग बाद में सवाल उठाएंगे, तो उन लोगों के लिए पहले ही कोई आपका जवाब है तो आप बता सकते हैं। जी आपने ये बहुत ज़बरदस्त यही सवाल किया है, मेरी दिल की बात कही है। मैं रात को अपने दोस्त से यही बात कर रहा था कि क्या नाम है, कुछ टाइम बाद अगर मैं थोड़ा सा यही यूट्यूब पर चढ़ता हूँ तो लोग मुझे ये बोलेंगे कि क्या नाम है, मैंने इरफान जुनेजी की कॉपी की है, मगर उनको ये नहीं पता कि मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे ऐसी वीडियोज़ बना रहा हूँ, जिसमें यानी मैं कभी व्लॉग्स बनाता हूँ, कभी वॉइस बनाता हूँ, एक्सरसाइजी। तो अब लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे, अब मैं उनकी ज़बान तो चुप करा नहीं सकता। अगर उन्होंने मेरी ये वीडियो देख ली तो हो सकता है वो चुप हो जाए, मगर फिर भी क्या कह सकते हैं उनको। और कोई सवाल? जी मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि आपको ऐसा लगता, यानी क्या लगता है कि इरफान जुनेजी ने व्लॉगिंग क्यों कम कर दी, यानी नया कॉन्टेंट क्यों ला रहे हैं वो? ये मुझे इस वजह से लगता है कि अभी कुछ टाइम पहले जो है ना यूट्यूबर्स को अवार्ड्स मिल रहे थे, तो बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड जो है ना जैद अली को मिला, मेरे ख्याल से, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और ये अवार्ड या मूरों को मिलना चाहिए था, या इरफान जुनेजी को। यार जैद अली ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 ब्लॉग्स अपलोड किए हैं, तो उन 6 ब्लॉग्स पर ही उसको अवार्ड मिल गया यार। यानी यहाँ पर इरफान जुनेजी की और मूरों की तकरीबन 250-250 वीडियोज़ हैं, और बहुत ज़बरदस्त वीडियो हैं मेरे ख्याल से ये जो है ना मोरू के साथ, और मोरू है या मोरो है पता नहीं मुझे, खैर इरफान जुनेजी और मोरू के साथ जो है ना ये नाइंसाफी हुई है। और मुझे यही लगता है कि इरफान जुनेजी को ये बात बुरी लगी और अपना कंटेंट चेंज कर रहा है वो, बस मैं यही कहूँगा। और जी मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि ये लोग जो है ना, यानी इरफान जुनेजी ने सिर्फ इसी वजह से व्लॉगिंग थोड़ी सी कम कर दी, क्योंकि उसका दिल हट गया होगा कि अवार्ड मुझे मिला नहीं और मैं इतनी मेहनत करता हूँ। तो मेरे ख्याल से भी यही है बात। तो खैर हम यहाँ पर अपनी वीडियो को अख्ताम करते हैं। यार और लाइट चली गई है एकदम से, यानी रोशनी कम हो गई होगी तो आप समझ गए होंगे कि मेरी जो है लाइट चली गई है। तो बस हम अपनी वीडियो यहाँ पर अख्ताम करते हैं, और इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे आपसे, किसी और मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।